तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, OIS वाला कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ 68W की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये सब कुछ मिलने वाले हैं सिर्फ 15,000 के अंदर। तो डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या मिलेगा, प्राइस कितना है, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसलिए इसके सबसे पहले डिवाइस के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है Realme की तरफ से, Realme 11X 5G। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाले काफी प्यारा सा लुक। रियर पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा जो काफी अच्छा आपको लुक प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा और प्लास्टिक बैक मिलेगा। जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी यूनिक है इसकी। वो भी बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जब आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे आपको 680 निट पीक ब्राइटनेस के सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें कैमरा की क्वालिटी की, तो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा आपको वीडियो और फोटो क्वालिटी निकल के दे देता है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट और 6nm बेस है। और दोस्तों ये एक न्यूली चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छी है। वहीं पे बात करें रैम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB रैम मिलेगा, वहीं पे और एक वेरिएंट पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आप 1-50% चार्ज सिर्फ 29 मिनट पे कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के सपोर्ट भी दिया गया है। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI 4.0 पे। तो दोस्तों ये तो गाइस इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 14,999 है, और दोस्तों जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,999 है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, और फ्लिपकार्ट पे इसकी बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रिव्यू भी आया है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे बाय किया और रेटिंग दिया है, तो आप समझ सकते हो ये मोबाइल काफी पॉपुलर हुआ है इंडियन मार्केट पे। तो दोस्तों आप अगर एक Realme का फैन हो और 15,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो Realme 11X 5G को जरूर बाय कर सकते हो। काफी प्यारा सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों डिवाइस का नाम है Samsung Galaxy M34 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जब पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों फ्रंट और रियर की दोनों कैमरा काफी अच्छी है। और दोस्तों जैसे कि पता है सैमसंग की मोबाइल उसके कैमरा क्वालिटी के बारे में जाने जाते हैं, तो इस मोबाइल की कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Exynos 1280 5G चिपसेट, जो 5nm पे बेस है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6GB रैम और 128GB रोम पे मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी होने वाले। यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 निट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी है। दोस्तों और एक चीज इस मोबाइल के अच्छी लगी, यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 25W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी
मिल जाएगा। और दोस्तों सैमसंग की इस मोबाइल पे आपको 5 ईयर के अपडेट मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए ये मोबाइल काफी अच्छे ऑप्शन हो सकती है। वहीं पे बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस 16,500 के आसपास रहते हैं, पर कोई भी सेल आता है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है और इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर एक 5G बेस्ट कैमरा मोबाइल को ढूंढ रहे हो तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है IQ की तरफ से IQ G7S 5G। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिलने वाला है 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों ये एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। वही पे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1300 नीट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा विथ OIS। हाँ दोस्तों, OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट मिल जाएगा जो 6nm पे बेस है। और ये एक 5G चिपसेट है जिसके एंटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी होने वाला है। तो आप अगर गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा। बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB होगा। वहीं पे आपको हायर वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4500mAh का बैटरी मिल जाएगा जहाँ पे आपको 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिया गया है जिसकी मदद से 1 to 50% चार्ज सिर्फ 24 मिनट पे हो जाएगा। और दोस्तों सिक्योरिटी पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाता है। डिवाइस काफी हल्का है, सिर्फ 172 ग्राम इसकी वेट है। तो दोस्तों ये तो गए इसकी सभी फीचर। जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको काफी तगड़े मिलने वाले हैं। तो आप अगर ढूंढ रहे हो एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल या फिर गेमिंग मोबाइल या फिर एक ऑलराउंडर मोबाइल, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वॉइस की सपोर्ट भी मिल जाता है, काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, तो आप इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 14,999 मतलब 15,000 है। वहीं पे 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 16,000 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 5G। जैसे ही पता है इंडिया पे Note सीरीज काफी पॉपुलर है, उसी का ये डिवाइस काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz के रिफ्रेश रेट। तो कंटेंट कंज्यूम के लिए ये डिवाइस काफी तगड़ी होने वाले है। वहीं पे आपको मिलने वाले 1200 नीट पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और 120Hz रिफ्रेश रेट है तो गेमिंग में ये आपको काफी फायदे देने वाला है। और दोस्तों इसकी बात, मेरा पर्सनल जो फेवरेट चीज है इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट जो आपकी 6nm पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। और दोस्तों इसकी जो एंटू स्कोर है ना वो 6 लाख के आसपास है। तो इस प्राइस पॉइंट में इतना पावरफुल डिवाइस मुझे नहीं लगता अदर कोई भी डिवाइस में है। तो इस मोबाइल पे आप कोई भी टाइप की गेम को एकदम हाई लेवल पे खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट भी मिल जाते हैं, तो प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी आप इसे कह सकते हो। तो आप अगर ढूंढ रहे अंडर 15,000 में 5G एक गेमिंग डिवाइस, तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जब बेस वेरिएंट 4GB 128GB और दूसरी आपको 8GB प्लस 256GB वेरिएंट मिल जाएगा। और दोस्तों उसकी बात, इसकी जो कैमरा है ना, कैमरा भी काफी तगड़ी है। तो कैमरा के लिए भी आप अगर 15,000 में मोबाइल लेना चाहते हो ना, तो भी इसे ले सकते हो। यहाँ आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब मेन कैमरा 48MP का होने वाला है, उसके साथ साथ आपको 8MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और 2MP का एक मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट
कर सकते हो। और दोस्तों अभी बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस मोबाइल पे आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाता है, IP53 का रेटिंग मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000mAh का बैटरी, उसके साथ साथ 33W के फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा इस डिवाइस पे। तो दोस्तों बात करें इसकी प्राइस, तो इसकी जो प्राइस वो 15000 के आसपास फ्लैक्चुएट होता है। अभी इसकी प्राइस 15500 है, पर यहाँ पे आपको 2000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 13500 हो चुका है। इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल होने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस है टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोबा 5 Pro 5G। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक एंड डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको बैक एकदम ट्रांसपेरेंट मिलेगा, एकदम नथिंग जैसा ही है। और यहाँ पे आपको 3 बड़ा सा LED लाइट भी मिल जाएगा, जिसके कलर आप आपके खुद के मुताबिक चेंज कर सकते हो कोई भी कलर पे। और दोस्तों इस लाइट को एज अ नोटिफिकेशन या फिर म्यूजिक की बीट पे भी यूज कर सकते हो, जो काफी अच्छी फीचर है। उसके साथ साथ कॉम्प्लीटली गेमिंग लुक भी मिल जाएगा, और जो बैक है वो प्लास्टिक का होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसका लुक एंड डिजाइन। अब बात कर लेते हैं इसके सभी फीचर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विथ 580 नीट पीक ब्राइटनेस के साथ। और दोस्तों जैसे कि ये गेमिंग डिवाइस है, तो ये पे आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है और जिसकी एंटीटू स्कोर 4 लाख के आसपास है। तो इस डिवाइस पे आप कोई भी टाइप की गेम खेल सकते हो इजीली। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको सेपरेट सा वेपर कूलिंग चेंबर भी मिल जाएगा, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इनहेंस कर देगा। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा बेस ब्रांड पे। वही पे आपको अदर ब्रांड पे 8GB रैम 256GB रोम मिल जाएगा। वही पे बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा। उसके साथ साथ एक 0.08MP का ऑक्सिलरी लेंस भी मिल जाएगा। वही पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक हाईलाइटेड फीचर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 68W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको इंडिया पे यही एक ब्रांड है जो 68W की फास्ट चार्जिंग को प्रोवाइड कर रहा है, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। डिवाइस एंड्रॉइड 13 और iOS 13 पे रन होगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, उसकी प्राइस इंडियन मार्केट पे 14,999 है, मतलब अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग मोबाइल मुझे यही लगता है। तो आप अगर चाहते हो एक गेमिंग डिवाइस, उसके साथ साथ काफी अच्छी लुक भी मिल जाए, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। दोस्तों यही था बेस्ट 5G मोबाइल अंडर 15,000। तो वीडियो अच्छे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए।